दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए मुकाबले में सुरेश अय्यर की शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली। उन्होंने 77 गेंदों में 80 रन बनाए जिसमें 4 चौके और 4 छक्के शामिल थे। मगर एक पल ऐसा भी आया था जहां सुरेश अय्यर अपनी ही गलती के कारण 22 रन पर आउट होने लगे थे। आपको बता दें 35वें ओवर की दूसरी गेंद को संजू ने डिफेंस खेला और दूसरी ओवर से नॉन स्ट्राइकर सुरेश अय्यर रन चुराने के चक्कर में आधी पिच तक पहुंच चुके थे और न्यूजीलैंड के विकेटकीपर टॉम लैथम के हाथ गेंद देखकर वह वापस क्रीज की ओर दौड़े और डाइव लगाकर खुद को आउट होने से बचाया। अगर यह डायरेक्ट हिट होती तो ये डाइव लगाकर भी खुद को आउट होने से नहीं बचा पाते। आखिरी ओवर में जाकर अय्यर को विकेट खोना पड़ा। उन्होंने स्लोग की कोशिश की लेकिन डीप पॉइंट पर खड़े डेविन कॉनवे ने कैच लपका जिस वजह से अय्यर की शानदार पारी का अंत हुआ। दोस्तों आपको सुरेश अय्यर की आज की बल्लेबाजी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और क्रिकेट की ऐसी ही अपडेट्स देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।